नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम सब हिंदी का टेट मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी का होगा और इसमें कुल 30 क्वेश्चंस होंगे। और ये 30 क्वेश्चन आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हाल फिलहाल यूपी टेट होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निरसत्ता, निरसत्ता, फिर निरसत्ता या निरसत्ता, चार दिया है ऑप्शन। तो ये चारों में से कौन सा होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा बी वाला होगा, यानी कि निरसत्ता जो है इसका शुद्ध वर्तनी होगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द है, पूछ रहा है कि नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो नेत्री होगा, नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होगा। और नेत्री का जो पुल्लिंग होगा वो हमारा नेता होगा, क्लियर। तो इसका तीसरा जो है, मतलब सी जो है, इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। समूचे का संधि विच्छेद क्या है? पूछ रहा है कि समूचे का संधि विच्छेद क्या है। समूह प्लस चय, सम प्लस अचय, सम प्लस उच्य, सम प्लस उत प्लस चय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा ई होगा, सम प्लस उत प्लस चय, समूचय का संधि विच्छेद है। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तो सोणित जो है, सोणित किसका पर्यायवाची शब्द है? सोणित किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सोणित पर्यायवाची शब्द है रक्त शब्द का, ये रक्त शब्द का ये पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे। अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पूछ रहा है कि अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनु का नहीं हुआ है, अप का नहीं हुआ है, अति का नहीं हुआ है। तो जिसका हुआ है वो कौन है? तो हमारा अ है, यानी कि अ जो उपसर्ग है उसी का अवतार में क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। चलिए अब अगले पर चलते हैं। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है? पूछ रहा है कि तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है? तो इसमें हमारा कौन सा वाचक है, सॉरी वाचक है, तो इसमें हमारा इच्छावाचक है। कौन सा है? इच्छावाचक। इसका हमारा सही ऑप्शन ए होगा, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए। पूछ रहा है कि भेद खुलने का अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? कलई खुलना, पालिश टूटना, या भंडा फोड़ देना, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन है हमारा कि कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा फोड़ देना, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट होगा वो होगा कलई खोलना, मतलब आपस में बराबर होता है इसका। हमारा सही ऑप्शन ए होगा, यानी कि कलई खुलना। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर प्रश्न 8 से 13 तक के उत्तर दीजिए। अब हमें इस अवतरण को पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें 8 से लेकर 13 तक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए अवतरण को पढ़ते हैं कि क्या है। समाज को यदि एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है। आधार विज्ञान यदि उसके तने हैं और संस्कृति जो उसके फूल हैं, इसीलिए न कि अर्थनीति या राजनीति आदि पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मूल की साक्षरता तो उसके फूल में ही है। फिर इन तीनों का संबंध परस्पर इतना है कि आप इन्हें अलग अलग भी नहीं कर सकते। नई अर्थनीति और राजनीति के साथ एक नई संस्कृति का विकास हमारी आंखों के सामने हो रहा है, भले ही हम देख न पाएं या उसकी ओर से आंख मूंद लें। अन्य क्षेत्रों में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं, किंतु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संस्कृति के विकास में प्रगति के लिए भी व्यापक योजना हमारे सामने नहीं आ रही है। अब राजनीति और अर्थशास्त्र दूसरी बड़ी योजनाओं में लगे हैं, जो कलाकारों चलो हम अपनी परिमित शक्ति के क्षेत्र में कुछ काम कर दिखाएं, आखिरकार यह क्षेत्र भी तो हमारा ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था? अवतरण था। तो चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं, गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं,
फूल के संसार के भौरे तो हम ही हैं, हम ना करेंगे तो इसे कौन करेगा। तो ये हमारा अवतरण था, इसी को हम पढ़े हैं। और पढ़ने के बाद हम आगे का क्वेश्चन करेंगे जो कि 8 से 13 तक का करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का क्या कह रहा है। समाज, राजनीति, अर्थनीति, विज्ञान और संस्कृति क्रमशः किसके प्रतीक हैं। हमारा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है जड़, आधार, फूल, वृक्ष और तने के। दूसरा ऑप्शन है फूल, वृक्ष, जड़, आधार और तने के। तीसरा है वृक्ष, आधार, जड़, तने और फूल के। या फिर चौथा ऑप्शन है कि वृक्ष, जड़, आधार, फूल और तने के। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हमारा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि हमारा जो ये है अभी किस पे पड़ा है, तो राजनीति जो है वो क्या है, हमारा आधार है। क्लियर। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा, यानी कि सी वाला जो है हमारा वृक्ष, आधार, जड़, ये हमारा क्या है, इसी पे होगा। क्योंकि इसका समाज है हमारा, हमारा समाज क्या, अभी भी हम पढ़े थे कि जो हमारा समाज है वो वृक्ष है, राजनीति हमारा आधार है, अर्थनीति जड़ है, विज्ञान हमारे तने हैं और संस्कृति जो है वो हमारे फूल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है। जब तक पूछ रहा है कि आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है, पूछ रहा है आखिर कब, जब तक, आगे डॉट डॉट दिया है, पूछ रहा है कि इसमें क्या हम भरें। पहला है सांस्कृतिक उत्थान ना हो, दूसरा है राजनीति उत्थान ना हो, तीसरा है भौतिक विकास ना हो और चौथा है आध्यात्मिक विकास उन्नति ना हो। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, जब तक हमारा सांस्कृतिक उत्थान ना हो, इसका सही आंसर होगा कि सांस्कृतिक उत्थान ना हो। जब तक हमारा संस्कृति उत्थान नहीं होगा तो ये सब क्या है, उन्नति हमारा क्या है, अधूरा है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। पूछ रहा है कि गुलाब की खेती से लेखक का तात्पर्य क्या है, पूछ रहा है कि गुलाब की खेती से लेखक का तात्पर्य क्या है। तो अगर आप अवतरण अच्छे से पढ़े होंगे तो जवाब आसानी से दे देंगे कि गुलाब की खेती में जो तात्पर्य है वो किससे है, गुलाब की खेती में जो तात्पर्य है वो किससे है, तो वो है हमारा सांस्कृतिक अभ्युत्थान से है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, हमारा इसी से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा पूछ रहा है कि मूल संस्कृति उत्थान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। पूछ रहा है कि सांस्कृति उत्थान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है, राजनीति, कलाकार, वैज्ञानिक या अर्थशास्त्र। अवतरण पढ़ने के पता चला है कि जो हमारा सर्वाधिक उत्तरदायी है वो है हमारा कलाकार, यानी कि दूसरा वाला कलाकार होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल और तने की साथकर्ता किसमें है, पूछ रहा है कि मूल और तने की साथकर्ता किसमें है, पत्ते, फूल, डाली या जड़ में। तो ना ही पत्ते में है और ना ही डाली में है और ना ही जड़ में है, तो इसका सही आंसर है फूल में है। इसका सत्ताकर्ता किस में है, फूल में है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक है। पहला ऑप्शन है समाज एवं वृक्ष, दूसरा है पंचवर्षीय योजना, तीसरा है कलाकार और सांस्कृतिक विकास, चौथा है हमारा कि राजनीतिक और सामाजिक उत्थान। चारों ऑप्शन हमने अभी भी पढ़ के आपको बताया, तो इसका कौन सा होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका शीर्षक देना हो तो आप किसको देंगे, तो कलाकार और सांस्कृतिक विकास को ही देंगे। क्लियर। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा चौथा होगा, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास, यही हमारा कौन सा है, तीसरा वाला है जो हमारा सही ऑप्शन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है, पूछ रहा है कि जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो यह जो सो के बीच क्या है, संबंध है, तो इसका किससे होगा, तो संबंधवाचक से होगा, ना कि निश्चयवाचक, ना प्रश्नवाचक और ना ही अनिश्चयवाचक। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा संबंधवाचक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ऋग्वेद कौन सी संख्या है,
प्रश्न हमारा 15 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो ऋग्वेद में हमारा जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक, यानी कि बी जो है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्तऋषि में समास है, पूछ रहा है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारण। तो देखिए इसमें हमारा कौन जो है वो द्विगु समास है, क्योंकि इसमें हमारा सप्त है। पहले ही हमको संख्या देखने को मिली, यानी कि सप्त माने सात, यानी कि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो हमारा ये कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रत्येक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारण या फिर द्विगु। यहाँ पे द्विगु है गाइस, यहाँ पे द्विगु भी दिया हुआ है। तो प्रत्येक में जो कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय या फिर द्विगु समास, कौन सा है हमारा। तो जो इसमें प्रत्येक में जो समास है वो हमारा है अव्ययी भाव, यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि बागदान का सही संधि विच्छेद क्या है, पूछ रहा है कि बागदान का सही संधि विच्छेद क्या है, बाग प्लस दान, वाक प्लस दान या वा प्लस गदान या फिर कोई नहीं। तो इस वरदान का संधि विच्छेदन करते हैं तो हमारा क्या होगा, वाक प्लस दान, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। वाकदान का सही संधि विच्छेद जो है वो है वाक प्लस दान, इसका राइट ऑप्शन बी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। तो ठ का उच्चारण हम कैसे करते हैं, तो हम किस मूर्धा से करते हैं, कंठ से तो करते नहीं, तालु से करते नहीं, दंत से करते नहीं, तो हम ठ का उच्चारण किससे करते हैं, मूर्धा से करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ई, क्लियर। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है, इसमें आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ रहा है कि कितनी है, 10, 25, 18 और 19 दिया है आपको। तो इसमें जो हमारा स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी वो होगी 25, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिसकी आशा न की जाए, यानी जिसकी आशा न की जाए उसे हम क्या कहते हैं, निराशा, उदास, प्रत्याशी, प्रत्याशित या फिर अप्रत्याशित, क्या कहते हैं। तो जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि अनेक का बहुवचन होगा, इसमें अनेक का बहुवचन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा है कई, तीसरा है हमारा अनेकों और चौथा ऑप्शन है कुछ। तो अनेक का जो बहुवचन होगा वो अनेक होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है, इसका अनेक होगा, अनेक का बहुवचन अनेक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निंदा शब्द का विमृतार्थक जो होगा वो क्या होगा, दोषारोपण, स्तुति या कृतज्ञ या समान। तो इसका जो हमारा होगा निंदा, निंदा का क्या होगा, सॉरी निंदा नहीं है, दोषारोपण, स्तुति और कृतज्ञ और समान। तो निंदा का जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर, स्तुति होगा, क्या होगा, स्तुति होगा, यानी कि बी वाला आंसर जो है वो हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूछ रहा है ये कौन से चिन्ह का नाम है, जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, पूर्व विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर कोई नहीं। तो ये जो चिन्ह है हमारा वो है अर्ध विराम, कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।